सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत पुलिस लाइन से ट्रैफिक महिला कांस्टेबलों ने मंगलवार को नागरिकों में जागरूकता के लिए दो पहिया स्कूटी रैली निकाली, जिसका शुभारंभ संभागीय परिवहन अधिकारी अनीता सिंह व प्रोफेसर मेजर विनीता पांडे ने हरी झंडी दिखाकर किया। आपको बता दें कि यह दो पहिया स्कूटी रैली पुलिस लाइन से होकर यातायात तिराहा, धर्मशाला, तरंग क्रॉसिंग, गोरखनाथ, गणेश चौराहा, छात्र संघ होते हुए नौकरण पर जाकर समाप्त हुआ। रैली के माध्यम से लोगों को बिना हेलमेट व सीट बेल्ट, शराब पीकर वाहन न चलाने के लिए जागरूक किया गया, जिसके संबंध में संभागीय परिवहन अधिकारी अनीता सिंह ने बताया कि शहर में वाहन चलाते समय जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, उसको देखते हुए मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश दिया गया था कि वर्ष के शुरुआत में ही सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जाए, जो कि 5 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक चलेगा, जिसको देखते हुए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करके लोगों तक सड़क सुरक्षा के संदेश को पहुँचाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसमें गोरखपुर वासियों का बहुत सहयोग भी हमें मिल रहा है। लोग अब ट्रैफिक नियमों का पालन कर रहे हैं, जो लोग नहीं करते हैं उनके वाहन का चालान किया जाता है। इस अवसर पर एआरटीओ संजय कुमार झा, रोड सेफ्टी पार्क मैनेजर सुमिता मिश्रा, सीओ ट्रैफिक जयप्रकाश सिंह, टीआई मनोज कुमार राय, धर्मेंद्र सिंह, अरुण कुमार पांडे, टीएसआई रामवृक्ष यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए निशा किन्नर, गोरखपुर विश्वविद्यालय की प्रोफेसर मेजर विनीता पाठक और आरटीओ अनीता सिंह ने कहा, पीछे ये बहुत ही अच्छे थे, हमसे मुलाकात हुई थी, हमारे आप हमारे आगे यहाँ से चार थे, क्या नाम आपका? चार फरवरी तक सड़क सुरक्षा अभियान चला रहे हैं और आप बखूबी इससे वाकिफ होंगे कि ये अभियान क्यों चलाया जा रहा है। हम चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहें। आप रोज सुनते हैं, सुबह से माइक पे आवाज आती है लेकिन उस पर अमल नहीं करते हैं लोग। तो आज यहाँ एनसीसी के बच्चों को इसीलिए बुलाया गया है, सर इस अभियान में लगा हुआ है। मैं सबसे कहूंगी कि आप दाहिना हाथ आगे करके गति क्या लीजिए। मैं शपथ लेती हूँ, मैं सुरक्षा संबंधी बातों का ध्यान रखूंगी, यातायात नियमों का हमेशा और अपने परिजनों से पालन कराऊंगा। दो पहिया हमेशा सीट बेल्ट पहनूंगा। कभी भी गाड़ी नहीं चलाऊंगा करूंगी। रास्ता दूंगा सड़क दुर्घटना में पीड़ितों की मदद करने के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। हाँ, बोलरो जाएगा आगे, उसके पीछे जिप्सी रहेगी, लाइन में रहेंगे। गुरुद्वारा 2023 से 4 फरवरी 2023 सुरक्षा माह मनाया। बीच में गैप रखिए, दोनों किनारा लेफ्ट राइट रहिए। आज यहाँ पे कार्यक्रम इसलिए हो रहा है कि यातायात के नियमों को सबको बताया जाए, सबको हमारे
सर लोग हैं बता रहे हैं कि किस तरीके से गाड़ी चलाया जाए, नशे में नहीं चलाना चाहिए और नींद आए तो नहीं चलाना चाहिए, थकान हो जाए तो नहीं चलाना चाहिए। इस तरीके से जागरूकता अभियान 4 जनवरी से लेकर के 5 फरवरी तक किया जा रहा है। और मैं निशा किन्नर गोरखपुर से न्यू इंडिया हेल्थ फाउंडेशन ट्रस्ट की अध्यक्ष आप सबके बीच में हूँ, मैं भी इस अभियान में शामिल हूँ। नमस्ते। ये रैली सड़क सुरक्षा रैली है जो विगत महीने 5 जनवरी से 4 फरवरी तक लगातार ये परिवहन विभाग और पुलिस विभाग मिलके मेहनत करके इन लोगों ने रैली निकाला है, सिर्फ यातायात नियमों का पालन करने के लिए और सड़क सुरक्षा के लिए। लोगों को नित्य प्रति तरह तरह की रैलियां निकाल करके लोगों को आकर्षित कर रहे हैं और जागरूक करने का काम कर रहे हैं। जो प्रत्येक वर्ष जो सड़क दुर्घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है, उसकी कमी के लिए परिवहन विभाग बिल्कुल दृढ़ संकल्प है। उसके उपलक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्देश दिए गए थे कि वर्ष के शुभारंभ में ही एक सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जाए जो 5 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक हो रहा है। इसमें विभिन्न विभिन्न प्रोग्रामों के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन करके हम लोगों तक और बच्चों के माध्यम से भी सड़क सुरक्षा के संदेशों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसमें गोरखपुर जनपद वासियों का बहुत सहयोग भी मुझे मिल रहा है, विभिन्न विभागों का बहुत सहयोग मिल रहा है। आज हमारे जो मुख्य अतिथि हैं विनीता पाठक मैम, जो प्रोफेसर मेजर हैं यहाँ पे, पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के HOD भी हैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी की, वो भी आई हैं अपने बच्चों के साथ और बहुत ही उत्साह से सब बच्चों ने इसमें रैली में पार्टिसिपेट किया हुआ है।